मंदिर के इतिहास ये रही है कि मोहल्ला जो सीमित था 40-50 घरों की बस्ती था पहले 30-40 साल पहले, और एक शिव मंदिर बना हुआ था और जीव छिड़े वास्तव में थी। फिर मोहल्ले के लोगों ने विचार किया कि मंदिर को नहीं बनवाया जाए, वहीं से परंपरा शुरू हुई है और मंदिर का विकास आज सभी लोगों के सहयोग से, मोहल्ले के सहयोग से, नगर के वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। यहाँ पर अब माता दुर्गा जी का है, पीताम्बर देवी है, भाई धुमाती है जिसमें शनिवार को तीखा भोग लगता है, मिर्ची भजिया वगैरह का, हनुमान जी का है, साईं बाबा का है, शनिदेव मंदिर का है, सभी देवी देवताओं का वहाँ पर स्थापित किया गया है। नवरात्रि में वही देवीघाट का पाठ होता है और मनोकामना ज्योति कलश जो श्रद्धालु करवाना चाहते हैं उन सदस्य कार्ड के ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है और रात में माता सेवा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। हाँ, अब महसूस तो क्या है, अपने अपने ऊपर है, लोगों की यदि मनोकामना पूर्ण होती है तो मंदिर का विकास ऑटोमेटिक होने लगता है और हम लोग जानते हैं कि मंदिर का जो प्रभाव है आज नगर के साथ साथ आज हमारे बिलासपुर नगर के बाहर भी हो रहा है, बाहर से भी दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए और उनका लाभ हम मंदिर समिति को भी मिल रहा है। संतोष कुमार यादव, पूर्व पार्षद, चिंगराजपुरा। चैत नवरात्रि में हमारे यहाँ मंदिर में भगवान राम के जन्म महोत्सव के उपलक्ष में यहाँ पे माँ देवी दुर्गा की और 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी एवं माँ धुमावती की विशेष आराधना चल रही है। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस का पाठ, चूँकि चैत नवरात्रि भगवान राम के जन्म महोत्सव के उपलक्ष में अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी यहाँ पर माँ भगवती के सामने में राघवेंद्र सरकार के जन्म महोत्सव में यह नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। हाँ, 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती का स्थान 7वां स्थान है और भगवती का स्वरूप तमोगुणी तामसी स्वरूप है, तो इसमें जो है शास्त्रों में तो लिखा है कि मद्य मांस इत्यादि का भोग लगाएं, परंतु यह सार्वजनिक स्थल है इसलिए यहाँ पे आज का जो तामसी स्वरूप है उसमें लहसुन प्याज और इससे जो निर्मित भोग है खास करके खारा, तो आजकल भक्त लोग जो है इडली डोसा भी लगाने लग गए हैं तो मिर्ची भजिया, इडली डोसा और मिक्सचर इत्यादि जो है माँ को भोग के रूप में लगा करके उसको संतुष्ट करते हैं, क्योंकि भगवती हर मनुष्य के अंदर में क्षुधा रूप में विराजमान है, इसलिए या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ आप अपनी क्षुधा को शांत करके और हम भक्तों की भी क्षुधा को शांत करें। इस मेरा नाम देवानंद गुरु जी। पेंसिल पेन है, चलो मंदिर में ले लूँगा। तो बंद कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं।